हेलो दोस्तों, आप हैं यूट्यूब चैनल आहार ऑर्गेनिक पे और मैं हूं एसके। नरसिंहपुर में जैविक प्रशिक्षण शिविर के चौथे दिन मैं आपको एक ऐसे युवा किसान से, या कहें कि ऐसे युवा उद्यमी से मिलाना चाहता हूं जो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग को करना और आसान बना देंगे। तो आइए मिलते हैं तूफान सिंह जी से। आप अपना संक्षिप्त परिचय दें। मेरा नाम तूफान सिंह राजपूत है। मैं एमपी डिस्ट्रिक्ट देवास, तहसील हाटपिया, ग्राम मानकुंड से हूँ और ये मेरा फर्स्ट सेशन है। बट गुरुजी से मेरे 2 साल के अच्छे संबंध है, तो मैं पूर्णतः हमारे बड़े भाई साहब और हम जैविक ही खेती करते हैं और गुरुजी के साथ मैं इस ईयर से काम करूँगा अगले मंथ से। तो हमारा पूरा ऑर्गेनिक के रूप में ही है प्लांट। गाँव में लोगों ने बहुत हंसी उड़ाई कि क्या होगा, जैविक डालते तो कुछ नहीं होगा ऐसा, पर हमारे 1 साल के प्रोडक्शन के बाद अगले साल दूसरे साल अच्छा प्रोडक्शन आना शुरू हुआ। अभी हमारे पास प्याज भी रखे हैं ऑर्गेनिक पूर्ण तरह, उसमें करीब 5% ही ख़राब हुए, जबकि लोगों के बहुत सारे सड़ गए, ख़राब होने लग गए हैं। और लहसुन तो नहीं है हमारे पास, और बट एक गुरुजी के थम्स अप में एक प्रोग्राम हम जैसे कीटनाशक को उनके जरिए, जैसे पानी में डूब मरना चुल्लू भर, वैसा ही एक प्रोडक्ट हमने बनाया है जो सौर ऊर्जा पैनल से लाइट देगा और उससे सारी कीटें वहाँ इकट्ठी होकर उस पानी के जो एक सौर हमने बनाया है प्लांट, उसमें पानी में आकर वो स्वयं सारी कीटें अपनी आत्महत्या करेगी, ऐसा प्लांट है। तो अगले मंथ से मैं गुरुजी के साथ उसके बारे में काम करूँगा और मेरा लक्ष्य भी यही है कि पूर्णतः ऑर्गेनिक खेती ही करना चाहिए। अभी बहुत सारी कंपनियां आ गई ऑर्गेनिक के नाम पर, हमको कुछ ना कुछ दे जाती है, पर मेरा लोगों से और बड़े बुजुर्ग किसानों से यही कहना है कि पूर्णतः उसको समझे और आगे उसकी पूरी जड़ तक जाए कि हमारे पूर्वज कैसे क्या किसानी करते थे, वैसे ही अपने को किसानी करनी, किसी के बहकाव में आकर हर किसी चीज़ को नहीं डालना है। देसी गाय के गोबर से और उसके गौमूत्र से हमें खेती करनी चाहिए। और उस सिलसिले में अगर आप कोई किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ को लेकर आप पहले ये मत सोचो कि ये बहुत भारी है, जैविक करना एक अब नहीं रहा, अब तो रासायनिक का युग है। जैविक के लिए आपको शुरू में परेशानी ज़रूर होगी 1-2 साल, बट उसके नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि अच्छा अन्न यदि हम उगाएंगे तो शुद्ध खाने को मिलेगा और हम बीमारियों से बच सकते हैं। दर्शकों, आपको बता दूँ कि तूफान जी ने एक ऐसा ट्रैप विकसित किया है जो सोलर से चलता है और उसको यदि हम लगाते हैं अपने खेतों में तो जितने भी कीट हैं, कीट पतंगे जो भी हमारे नुकसान पहुंचाते हैं फसलों को, जैसे फल मक्खी है जो भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाती है, और जितने भी कीट पतंगे हैं वो शाम को उस ट्रैप को यदि हम जला देते हैं तो उसके नीचे एक बकेट में पानी रखा होता है और उससे आकर्षित होकर के सारे कीट आकर के उसमें डूब जाते हैं और उससे हमको छुटकारा मिल जाती है। तो ये आप कब से ये ट्रैप हमारे किसान भाइयों को मिलना शुरू हो जाएगा? अगले मंथ से स्टार्ट हो जाएगा ये। क्या ये राह एपीओ जो है उसके माध्यम से मिलेगा? हाँ, अभी तो उसके माध्यम से मिलेगा और हमारे गुरुजी ने सरकार को पत्र भी लिखा है कि इसको किसानों को सब्सिडी में दिया जाए। अभी 3500 या 3700 रुपये उसकी कीमत है, बट हम चाह रहे हैं कि इसमें सब्सिडी अगर हो जाए तो किसानों को और सस्ता मिलने लग जाए, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि जैविक खेती, जैविक किसान और जैविक अन्न। बहुत अच्छी बात है और हम इंतज़ार करेंगे कि आपका ये ट्रैप आ जाए तो हम उसका डेमो अपने किसान भाइयों के लिए दिखा सकें, और जैसे ही आ जाता है तो हम आपके यहाँ आकर के ज़रूर उसका डेमो दिखाना चाहेंगे। धन्यवाद तूफान सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका बहुत धन्यवाद, और इस जानकारी को आप अपने खेती में इस्तेमाल करें, आपको निश्चय ही लाभ होगा। धन्यवाद।